हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। क्या मसीही स्त्री करवा चौथ व्रत रह सकती हैं, करवा चौथ मना सकती हैं, उनके लिए सही या गलत, या फिर सच में करवा चौथ व्रत रहने से हमारे पति की उम्र लंबी होगी, आयु बढ़ेगी? सच में क्या एक व्रत रखने से, भूखे प्यासे रहने से हमारे पति की उम्र लंबी होगी? आइए देखते हैं इस वीडियो में। आज के इस समय में हम सभी को पता होगा कि करवा चौथ का त्यौहार साल में एक बार आता है, हम सभी को तो पता होगा। और इस समय में जो हमारे मसीह भाई बहन जो नए विश्वासी लोग जुड़े हुए हैं, उनके माइंड में इसका सवाल का जवाब यही आता होगा कि हम करवा चौथ मनाएं या ना मनाएं। तो उन सभी का डाउट इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें तभी आपको सब समझ में आएगा। हमारा वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं बनाया जाता, सिर्फ बाइबल की शिक्षाओं को समझाया जाता है जो परमेश्वर का वचन कहता है। यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। आज के समय में स्त्रियां भूखी रहकर अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। उनका पति आता है, दारू शराब पी के आता है, उनको मारता है, गाली देता है, घर से बाहर निकालने के लिए बोलता है, मारपीट होता है, दारू शराब पी के आते हैं। पति उधर पत्नी व्रत रहती है अपने पति के लिए, उसकी आयु बढ़ाने के लिए। ये मनुष्य का सिर्फ एक दिखावटी त्यौहार है, इसमें कुछ नहीं है। ये एक शैतानी बंधन है, एक शैतानी त्यौहार है। जो कोई इसमें चला गया वह दोबारा इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। सिर्फ यीशु मसीह ही उसको इन चीज़ों से निकाल सकता है। लोग बोलते हैं हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे, अपने त्योहारों को नहीं छोड़ेंगे, यही परंपरा मनाते आ रहे हैं, पूर्वजों से परंपरा यही मनाते आ रहे हैं। रक्षाबंधन मनाते हैं, दीपावली में मनाते हैं, करवा चौथ मनाते हैं, यही अन्य सारे त्यौहार लोग मनाते हैं। आज इसी में पूरा संसार खोया हुआ है और परमेश्वर का वचन हम सभी से स्पष्ट बातें करता है। आज के समय में कोई सच्चाई को नहीं दिखा कर रहा है, अनदेखा कर रहे हैं, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं वो तो धर्म बदलता है, वो तो धर्म बदलने के लिए बोलता है। यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता है, यीशु मसीह जीवन बदलता है, जीवन बदलना परमेश्वर है। यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता है, वो यहाँ पर धर्म किसी का बदलने नहीं आया था, परंतु जीवन को बदलने वहाँ यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था, अनंत काल का जीवन देने हमारा परमेश्वर। आज स्त्रियाँ अपने पति के लिए व्रत रहती हैं, करवा चौथ का व्रत रहती हैं, भूखे प्यासे रहकर, और बाद में फिर से वही लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज, दारू पी के पति आता अपनी पत्नी को मारता है, गाली देते हैं, मारपीट होता रहता है। क्या सच में यही एक त्यौहार है? क्या इससे हमारे पति की आयु बढ़ेगी, लंबी होगी? ये एक मनुष्य का भ्रम है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन अधिक होंगे। यहाँ पर यीशु मसीह हम सभी से कहना चाहता है, यीशु मसीह के द्वारा हम सभी की आयु बढ़ेगी, जो हमारे आयु है अधिक होंगे, कई वर्ष तक हम जीवित रहेंगे, जब नहीं मरेंगे हम सभी लोग। मेरे प्रियजनों, हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। नीति वचन 31:30 वचन में लिखा हुआ है, हमें परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर का भय मानना है। यीशु मसीह का वचन कहता है रोमियों 12:2 वचन में, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा से अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे वचन को समझने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार के सदृश नहीं बनना है, मतलब इस संसार के जैसे में नहीं बनना है कि वो ऐसा काम कर रहा है, त्यौहार मना रहा है, हमें संसार में घुलना मिलना नहीं है। परमेश्वर ने हमें संसार से छूना है, परमेश्वर ने हमारे लिए लुभाया है, परमेश्वर ने हमारा जो मन विवेक है वो नया हो गया है। हम अब यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, उसकी शिक्षाओं को ग्रहण कर चुके हैं, जो उसकी सिद्ध शिक्षा है उससे हम मालूम करते हैं, अनुभव करते हैं। हमें संसार में नहीं जाना है, हमारा चल चलन परमेश्वर को भाने योग्य ठहरना है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें संसार से चुन लिया है। पहले हम दीपावली मनाते थे, त्यौहार मनाते थे, करवा चौथ मनाते थे, रक्षाबंधन मनाते थे, पहला का जीवन हमारा मर चुका है। अब हम यीशु मसीह की आदि शिक्षा को ग्रहण कर चुके हैं, तो हमारा चाल चलन है वो बदल जाना चाहिए, हमारे कामों समेत हमें उसको उतार देना है। मेरे प्रियजनों, ठीक है, आगे देखते हैं वचन से। पहला योहन्ना 2:15-16 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो,
यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। मतलब यदि हम संसार से प्रेम रखते हैं, संसार की वस्तुएं यदि हम त्योहार मनाते हैं, वही जो गृढ़ काम है जो हम पहले छोड़ चुके हैं, हम मसीह में भी हैं और दो नाव में पैर भी रखते हैं, तो हमारी नाव बीच में डूब जाएगी। हमें एक नाव में पैर रखना है। हम यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं। हम संसार के लिए नहीं, हम संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं रख सकते हैं। हमें संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं रखना है, परमेश्वर से प्रेम रखना है। क्योंकि संसार में क्या है मेरे प्रियजनों, संसार में अभिलाषाएं हैं, आंखों की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है, परंतु यह परमेश्वर की ओर से यह सब नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा, वैसी शांति नहीं जैसा संसार देता है। मैं अपनी शांति तुम्हें देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं शांति अपने तुम्हें देता हूँ। मेरे प्रियजनों, संसार में पाप है, व्यभिचार है, गुनाह है, अभिलाषाएं हैं, घमंड है, जीवन का घमंड है, यही सब होता है संसार में। इस संसार से हमें निकलना है और उस त्योहारों में हमें नहीं घुलना मिलना है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। यीशु मसीह ने कहा तुम अपने आप को इनकार करो, या तुम अपने आप को इनकार नहीं करते हो, मुझसे अधिक प्रिय तुम किसी और से प्रेम करते हो, किसी और से प्रीति रखते हो, तो तुम मेरे चेले नहीं हो सकते हो, तुम मेरे योग्य नहीं हो। परमेश्वर कहता है संसार के जैसे मत बनो। परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे लिए उबाया, मैंने तुझे माता के गर्भ से चुना है। हमें अपने माता पिता से या बेटी बेटी से अधिक प्रिय नहीं जाना। यीशु मसीह कहता है मुझसे अधिक प्रिय तुम किसी और से प्रेम करते हो तो तुम मेरे चेले नहीं हो सकते हो, तुम मेरे योग्य नहीं हो, तुम मेरे लायक नहीं हो। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप इस त्योहार को मनाना चाहते हैं तो अभी बंद कर दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। इससे ना तो कुछ आपको लाभ मिलेगा, ना तो कुछ हानि होगी, ना कोई लाभ मिलेगा। मनाए या ना मनाए कोई से लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। मेरे प्रियजनों, इसे कुछ नहीं, अपने प्राणों को नाश करना है, अपने आत्मिक उन्नति को रोकना है, पीछे करना है। शैतान हमारे आशीषों को चुराना चाहता है। मेरे प्रियजनों, इससे भागो, निकलो। इसके बदले आप परमेश्वर के लिए उपवास रख लो, अपने पति के खातिर उपवास रख लो, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि हे पिता मेरे पति की आयु बढ़े तेरे द्वारा। परमेश्वर कहता है मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी, परमेश्वर के हम सभी की आयु बढ़ेगी। मेरे प्रियजनों, हमें विश्वास करना है, हमें उपवास रहना है। इसके करवा चौथ के बदले हमें उपवास रहना अपने पति के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर से विनती करना है। परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर आशीष देता है, कभी वापस नहीं लेता है। परमेश्वर जो जीवन देता है वह अमर जीवन देता है, दो या तीन दिन के लिए नहीं देता है। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाएगा तो भी वह जिएगा। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार उसको जिंदा करेगा, जिलाएगा। मेरे प्रियजनों, इस वचनों के द्वारा, संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वीडियो को अपनी मसीह भाइयों के पास जरूर शेयर करना, दबा के शेयर करना, ताकि हर एक आत्मा बच जाए, मन फिरा ले और प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आए। आप सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, आमीन।